वेलकम टू प्रतिभाज किचन। चलिए आज मैं अपने किचन में आपको इमली की चटपटी चटनी बनाना सिखाती हूँ। इमली की चटपटी सब्जी बहुत झटपट बन जाती है और स्वाद में भी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें पहले मैं 200 ग्राम इमली ली हूँ। इसके अलावा चिली फ्लेक्स, जीरा, सौंफ, हींग, गुड़, लाल मिर्च पाउडर, चीनी और ऑयल। जो गुड़ है वो 200 ग्राम है, जितना इमली की का पेस्ट होता है उतना ही गुड़ लिया जाता है। उसके अलावा आप अगर चाहो तो काला नमक 1 टीस्पून डाल सकते हो। मैं काला नमक चटनी बनने के बाद डालती हूँ। चलिए अब बनाते हैं हमारी इमली की चटनी। पहले एक पैन मैंने चढ़ा दिया और 2 टेबलस्पून उसमें ऑयल डालकर जीरा उसमें डालती हूँ। जीरा जब फूटने लगता है तो मैं उसमें हींग डालती हूँ और बाकी जो सामग्री मैं ली हूँ वो सब पेस्ट के साथ मिलाकर मैं पैन में डालूंगी। इमली का पेस्ट अब पैन में डाला है मैंने। और ये जो इमली है जो मैंने पेस्ट लिया है वो मार्केट का है। आप रॉ इमली जब लेते हो ना तो उसे बॉयल्ड वाटर में 15 मिनट्स डालकर फिर उसका पल्प निकालकर अच्छे से छानकर तब उसका पल्प आप निकालकर फिर उससे चटनी आप बना सकते हो। छानना मत भूलिएगा क्योंकि रॉ इमली में काफ़ी रेशा होता है। अब इसमें जो बच गया था ना बर्तन में उसी में पानी डालकर फिर मिला उस सारी चटनियों के साथ मिलाकर इसे एटलीस्ट 10 मिनट्स तक बॉयल करना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। मैं ऊपर से नमक डाली हूँ, काले नमक। आप चाहो तो चटनी के साथ भी आप उसे डालकर बॉयल कर सकते हो। थैंक यू।